नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स आता है, जैसे वो प्लॉट पोटेंशियल कितना है, FSI कितना मिलेगा, उसमें कितना आप TDR परचेस कर सकते हैं, रोड विड्थ कितना है, उसके हिसाब से आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट में बिल्डर को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो पूरा डिटेल वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पता चलता है। अभी ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूरा प्लॉट का पोटेंशियल, जैसे एग्जैक्ट अभी प्लॉट एरिया कितना है, और UDC पर गवर्नमेंट का जो UDC पर रूल है उसके हिसाब से कितना हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कितना बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे FSI, प्रीमियम FSI, परचेसिंग ऑफ TDR, एक बाद में जो भी साइड सराउंडिंग अगर मेट्रो वगैरह चल रहा है उसका बेनिफिट, ये सब का पकड़ के हम कितना प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल रहता है। अभी ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में चार मेन फैक्टर्स है, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी और उसके बाद में सोशल फिजिबिलिटी। अभी टेक्निकल फिजिबिलिटी में जैसे UDCPR रूल्स है गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से वो प्लॉट में हम कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे कितना FSI अलाउड है, वहाँ कितना रोड विड्थ है, कितना हम वहाँ TDR परचेस कर सकते हैं, बाद में प्रीमियम FSI ले सकते हैं, और उसमें पार्किंग कितना अलाउड कर सकते हैं, और बाकी सराउंडिंग जो भी फैक्टर्स है वो कंसिडर करके हम टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब FSI और प्लॉट का पोटेंशियल देख सकते हैं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में जैसे अभी कोई पर्टिकुलर प्लॉट है उसको रीडेवलपमेंट करने के बाद में जैसे एग्जिस्टिंग फ्लैट्स को, फ्लैट ओनर्स को उसने फ्लैट्स दे दिया और उसमें जो भी एडिशनल फ्लैट्स उसके बने हैं वो पूरा सेल करके उसका प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिल्डर उसमें इंटरेस्ट लेता है, अगर वो नहीं हो रहा तो बिल्डर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। उसके बाद में है लीगल फिजिबिलिटी में जैसे प्लॉट का जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो भी सोसाइटी ज़्यादातर 25-30 साल पुरानी कंप्लीट हुई रहती है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं, अगर न्यू कंस्ट्रक्शन किया है कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है कि नहीं, बाद में लोकल लोगों का पूरा हेयरशिप है कि नहीं, नॉमिनीज वगैरह, वो सारे बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो होने के बाद ही उसको प्रोजेक्ट ये आगे बढ़ सकता है। उसके बाद में है सोशल फिजिबिलिटी जैसे अब जैसे गवर्नमेंट का रोल है कि 51% लोग एग्री होने के बाद में वो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। फिजिबिलिटी होने के बाद में कुछ लोग उसमें को अपोज करते हैं, कुछ जनरल पॉलिटिक्स रहता है या फिर सोसाइटी का इंटरनल डिफरेंसेस रहता है तो वो सब क्लियर करना पड़ता है, बाद में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं तो वो सबको सॉल्व करके कन्विंस करके बाद में ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। अभी हम देखेंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं, उसमें क्या क्या मैटर कवर किया रहता है। सबसे पहले वो प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड, वो सोसाइटी कितने साल पुरानी है, कितने साल उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन हुआ है, अभी उसमें क्या क्या इशू आ रहे हैं, रीडेवलपमेंट का क्यों नेसेसरी पड़ा, ये सब डिटेल्स रहता है। उसके बाद में एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ प्लॉट, अभी प्लॉट का एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसा है, उसमें प्लॉट के सराउंडिंग रोड्स कितने हैं, वो प्लॉट के बिल्डिंग में क्या क्या इशू है, लीकेजेस इशू है, स्ट्रक्चरल इशू है या फिर बिल्डिंग पुरानी हुई है, बहुत सारे बाद में लिफ्ट नहीं है, ये सब ज़्यादातर इशू रहते हैं। इसके बाद में प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, मतलब प्रपोज प्रोजेक्ट कैसा है, उसमें कितना FSI मिलने वाला है, कितना उसका साइड के रोड का विड्थ कितना है, उसके हिसाब से कितना हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म उसमें कवर रहता है। इसके बाद में प्लॉट पोटेंशियल एज पर एप्लीकेबल बिल्डिंग बायलॉज, जैसे UDCPR के रूल के हिसाब से, रोड विड्थ के हिसाब से वो प्लॉट का पोटेंशियल कितना आएगा, कितना FSI होगा, कितना एडिशनल FSI आएगा, उसके हिसाब से बिल्डिंग बायलॉज कवर करके, पार्किंग जैसे देना पड़ता है, पार्किंग का भी कंसिडर करके, बिल्डिंग हाइट्स का भी कंसिडरेशन करके कितना वो प्लॉट का पोटेंशियल होगा ये भी कवर रहता है। उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ वेरियस बिल्डिंग बायलॉज,
जैसे सर्टन हाइट के बाद में रेफ्रिजरेटर देना है, फायर वगैरह वाला है तो उसके लिए भी क्या क्या नॉर्म्स है, पार्किंग का कितना लेना है, बाद में अगर बिल्डिंग का कितना हाइट है, सामने फ्रंट स्पेस कितना रखना है, वो सारे उसमें कवर किया रहता है। और उसमें कुछ गाइडलाइंस भी रहते हैं कॉरपोरेशन के रूल के हिसाब से, वो फॉलो करना पड़ता है। अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या कैलकुलेशंस रहते हैं वो हम देखेंगे। अभी एग्जिस्टिंग एरिया स्टेटमेंट, जैसे प्लॉट का एग्जिस्टिंग एरिया क्या है उसका डिटेल, उसमें कितने यूनिट्स है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, उसका एरिया कितना है, पर्टिकुलर एरिया, उसका डिटेल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स और उसका एरियाज। उसके बाद में प्रपोज्ड पॉसिबल कैलकुलेशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ रीडेवलपमेंट, जैसे वो प्लॉट पोटेंशियल के हिसाब से, UDCPR के हिसाब से वो कितना उसका प्लॉट पोटेंशियल है, कितना FSI मिलने वाला है, कितना एडिशनल FSI मिलेगा, TDR परचेस कर सकते हैं और ये प्रीमियम FSI, ये सब उसका कंसिडरेशन, उसका पूरा डिटेल कैलकुलेशन उसमें रहता है। उसके बाद में एडिशनल एरिया रिक्वायरमेंट्स बाय एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स ओनर्स फॉर रीसेटलमेंट, उसमें जो एरिया उनको रिक्वायरमेंट है उसका डिटेल भी रहता है। उसके बाद में एरिया कैलकुलेशन एज पर टेंटेटिव प्रपोज प्लान, इसमें एक टेंटेटिव प्लान बना रहता है कि वो प्लॉट पोटेंशियल के हिसाब से और फ्लोर प्लेट के हिसाब से इतना इतना एक वो टेंटेटिव रहता है, ये ऐसा ऐसा प्लान रहेगा, सबको इतना स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलेंगे, एक टेंटेटिव प्लान रहता है, वो भी एक बेसिक प्लान रहता है। उसके बाद में टोटल टेंटेटिव ब्लॉक कॉस्टिंग टू द डेवलपर फॉर द एंटायर बिल्डिंग, इसमें टोटल टेंटेटिव ब्लॉक कॉस्टिंग मतलब उसमें कितना एक्सपेंडिचर होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरा, बेसिक सिविल स्ट्रक्चरल फिनिशिंग, उसके बाद में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सर्विसेज एमिनिटीज, इसका पूरा एक डिटेल कॉस्टिंग रहता है कि वो बिल्डर को वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो बिल्डर को कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगा, उसमें बाद में जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन, जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा वो समय वो सोसाइटी में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको बिल्डर को रेंट पे बाहर घर देने पड़ते हैं, तो उसका रेंट और डिपॉजिट, तो जितने भी मेंबर्स है उन सब का रेंट, जैसे अगर 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 3 साल का रेंट और बाद में डिपॉजिट, जैसे हाउस घर नया लेते जो डिपॉजिट है वो सब का रेंट और डिपॉजिट, उसका भी कॉस्ट रहता है। एक्सपेंडिचर बाद में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये सारे कॉस्ट उसमें आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पता चल जाता है। और इसके बाद में एक मेजर कैलकुलेशन जैसा रहता है, बिल्डर को ये सब को मतलब जो भी मेंबर्स है उनको रेंट पे रेंट देने के बाद और बाद में इसका जो भी डिपॉजिट है वो सब देने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद, पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद में जो भी एडिशनल प्लॉट फ्लैट्स है वो सेल करने के बाद उसको कितना मार्जिन मिलता है या फिर कितना प्रॉफिट मिलता है, ये भी उसमें मेंशन रहता है। अभी हम देखेंगे किसी भी बिल्डिंग का या सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करने के लिए उसका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालना पड़ता है उसका इनिशियल डाटा उसके लिए क्या लगता है। सबसे पहले वो बिल्डिंग का नाम या फिर सोसाइटी का नाम, उसका गूगल लोकेशन, वो कहाँ है उसका डिटेल लोकेशन, उसके बाद में उसका प्लॉट साइज़, उसका कितना टोटल प्लॉट साइज़ है, कितना एरिया है, उसके बाद में नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उसका अप्रॉक्सीमेट साइजेस, जैसे 1 BHK वाले कितने हैं, 2 BHK वाले कितने हैं, 3 BHK कितने हैं, कितने शॉप्स है, उसका पूरा डिटेल्स, नंबर ऑफ शॉप ओनर्स, उसके बाद में टाइप ऑफ फ्लैट्स जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड उसका और उसका एरिया। उसके बाद में बिल्डिंग प्लान, उसका एक बिल्डिंग का जो प्लान रहता है वो प्लान भी चाहिए। और उसके बाद में रोड विड्थ, वो सोसाइटी के आसपास में जो भी चारों साइड में अगर रोड है तो रोड का विड्थ कितना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने पहले ही बोला वो सोसाइटी का जैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, किसी पर्टिकुलर वो मेंबर्स के हेयरशिप सर्टिफिकेट, हेयर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वो भी ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे एक सैम्पल कैलकुलेशन, जैसे एक पर्टिकुलर प्लॉट है उसका FSI, बाद में TDR और एडिशनल FSI, फिर
आपका प्रीमियम में पैसा है वो सब ऐड करने के बाद में वो प्लॉट को सराउंडिंग कंडीशंस, रोड विड्थ, ये सब देखने के बाद में यूडीसीपीआर के रूल फॉलो करने के बाद में उसको कितना एडिशनल एरिया मिलता है या फिर वो प्लॉट पे हम कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसका एक सैम्पल टेबल देखेंगे। प्रपोजल पॉसिबल कैलकुलेशन फॉर फिजिबिलिटी रीडेवलपमेंट, इसमें प्लॉट पोटेंशियल एज पर एप्लीकेबल यूडीसीपीआर 2022। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद में फ्लोर स्पेस इंडेक्स सिनेरियो, इसके बाद एफएसआई एप्लीकेबल, एफएसआई और टीडीआर एप्लीकेबल, मैक्सिमम वैल्यू कितना मैक्सिमम एफएसआई मिल सकता है, टीडीआर मिल सकता है, और उसके बाद में एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, वो प्लॉट का कितना एरिया हो सकता है। पहला है एरिया ऑफ प्लॉट, जैसे हमने इधर एक एज्यूम करने के लिए 1650 स्क्वायर मीटर, जैसे 1650 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट कंसीडर किया है, उसका यहाँ बेसिक एफएसआई है 1.10। सब जगह स्टार्टिंग में इनिशियल में 1.10 बेसिक एफएसआई कंसीडर करते हैं, बाद में वो एक्सटेंड करते हैं, तो 1.1 के हिसाब से इधर एरिया हो गया 1650 का 1815। बाद में है प्रीमियम पेड एफएसआई, प्रीमियम पेड एफएसआई है 0.50, तो 0.50 के हिसाब से ये इधर हो गया 825 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद में मैक्सिमम टीडीआर लोडिंग, ये मैक्सिमम टीडीआर लोडिंग है 1.15, उसके हिसाब से एरिया हो गया 1897.50 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद एंसिलरी पेड एफएसआई, ये एंसिलरी पेड एफएसआई है 60% ऑफ टोटल ऑफ 1+2+3, मतलब ये बेसिक एफएसआई प्लस प्रीमियम एफएसआई प्लस मैक्सिमम टीडीआर लोडिंग, जैसे ये टोटल तीनों के ऊपर 60%, दैट इज 60% ऑफ 2.75, मतलब ये इसका टोटल का 2.75। तो ये होता है 4537.50 स्क्वायर मीटर्स, 4530.50 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद में टोटल प्लॉट पोटेंशियल, ये टोटल कितना आ गया 4.40, जैसे वो प्लॉट को 4.40 एफएसआई मिल रहा है, तो ये प्लॉट में जितना एरिया है उसे 4.40 हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो एरिया कितना हो गया 7260 स्क्वायर मीटर, जैसे तो टोटल प्लॉट पोटेंशियल है 4.40, तो एरिया हो गया 7260 स्क्वायर मीटर, जैसे 1650 स्क्वायर मीटर का हम कितना कर सकते हैं 7260 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, आज के वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, इसमें क्या क्या इनिशियल डाटा रिक्वायर्ड है, और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ कंसिडर की जाती है। इसके साथ ही हमने इसमें एक सैम्पल कैलकुलेशन शीट भी देखा। मैंने व्हाट इज़ रीडेवलपमेंट प्रोसेस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें भी जाके रीडेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।